पवन पुत्र हनुमान कहते हैं, पशु पुत्रे मित्रे शत्रु बंधो सुहृद जने, सुखे दुखे अमर्षे हर्षे भीतो समो भवेत। पशु पुत्र शत्रु मित्र कोई भी हो, सबको एक सा जानो, उनके भीतर एक ही ब्रह्म ज्योति झिल मिलाती है। सुख हो दुख हो, रंज हो या खुशी हो, दुख में दुख मत मानो, अपने मन को उस परम ब्रह्म में प्रकाशित रखो। हनुमान वैश्वानर ऋषियों की शाखा में से माने जाते हैं। वेद की एक शाखा है वैश्वानर वानर। वैश्वानर वो प्रकाशित नर माने पुरुष यानी परमात्मा। इस भावना से उस परम ब्रह्म की जो स्तुति करते थे वे वैश्वानर ऋषि कहलाते थे। उसी परंपरा में गौतम ऋषि और उनके पुत्र शतानंद हुए। गौतम ऋषि की पत्नी थी अहिल्या, अहिल्या की पुत्री थी अंजनी और अंजनी के पुत्र थे हनुमान। उन हनुमान ने उस ऋषि वाणी को ही उनके मुख से सुन के अपने हृदय में ग्रहण किया था। पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, कभी चढ़ जा वे ब्रह्म शिखर पे, कभी तृष्णा की घाटी में गिरता। पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, आ आ आ, आ, आ। पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता। पशु पुत्रे मित्रे शत्रु बंधो सुहृद जने, सुखे दुखे अमर्षे हर्षे भीतो समो भवेत। पशु पुत्र शत्रु मित्र हो कोई भी, सबको एक सजानो, सुख हो दुख हो, रंज खुशी हो, दुख में दुख मत मानो, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, कभी चढ़ जा वे ब्रह्म शिखर पे, कभी तृष्णा की घाटी में गिरता। पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता। चित्त
शुद्धे च महते विज्ञान साधिका भवेत। विज्ञान नेन हि विज्ञातम परम ब्रह्म मुनीश्वरः। जिसका चित शुद्ध हो जाता, जिसका चित शुद्ध हो जाता, वो आत्मा निर्मल हो जाता। पावन मन परब्रह्म को पाता, परम ज्योत में जाके समाता। पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता। कभी चढ़ जा वे ब्रह्म शिखर पे, कभी तृष्णा की घाटी में गिरता। पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता। रोगाप्तौ चैव भोगाप्तौ वा जये विजये अपि च श्रियो अयोगे च योगे च लाभा लाभे मृतावपि। चाहे रोग हो चाहे भोग हो, जीवन रहे या चला जावे, संपदा आपदा कुछ भी आवे, मन में अशांति कभी ना लावे। पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता। कभी चढ़ जा वे ब्रह्म शिखर पे, कभी तृष्णा की घाटी में गिरता। पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता। समूताम वस्तु जातेषु पश्यन्न अंतबर्हि स्थितं सूर्ये सोमे जले वहन्नो शिवे शक्तौ तथा अनिले द्विजे हृदे महानद्यां तीर्थे क्षेत्रे अध्यनाशिनि विष्णु च सर्वदेवेषु तथा यक्षो रगेषु च गंधर्वेषु मनुष्येषु तथा त्रियग भवेषु सततम पश्येत। ब्रह्म महि यः योगविद उच्यते। सूर्य चंद्र जल अग्नि में शिव शक्ति वायु ब्रह्म विष्णु देवता यक्ष में मानव पक्षी जल थल सब में। जो उस ब्रह्म को देखता वो
योगी सत्य को देखता पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, कभी चढ़ जा वे ब्रह्म शिखर पे, कभी तृष्णा की घाटी में गिरता, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता। संपराहृत्य स्वार्थेभ्य इंद्रियाणि विवेकतः सर्वत्र समता बुद्धिः स योगी मे मतः। विषयों से मन को जो हटाता ज्ञान में स्थित वो हो जाता, तृष्णा त्याग विवेक को पाता, मेरे मत में वो ही योगी कहलाता, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, कभी चढ़ जा वे ब्रह्म शिखर पे, कभी तृष्णा की घाटी में गिरता, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता। विप्रते पन्यस्य स्थाणुत्वं यास्यते यदा परात्मन्य चला बुद्धि इस्त दासौ योगमा अपनुयात। सकाम वेदवाणी से अलग होके प्राणी परमात्मा में जब स्थित हो जाता है तब ही उसको जन्म मरण रहित योग का मार्ग प्राप्त हो जाता है। वेद में दो तरह की वाणी है, एक तो मोक्ष मार्ग वालों के लिए, एक संसार में प्रवर्त धन कैसे प्राप्त हो, विवाह कैसे हो, बीमारियां कैसे दूर हो, ये सांसारिक मार्ग है। ऐसी फूलों जैसी वाणी प्रिय लगने वाली वाणी का त्याग करके जब कोई साधक केवल परम ब्रह्म के ज्ञान में स्थित होता है तब ही उसको मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। युक्त स्थानी वशे कृत्वा सर्वदा ब्रह्म परो भवेत संयतानि इंद्रियाणि यस्यास्यो कृत धीर्मतः। मन इंद्री को वश में करके जो पार ब्रह्म में लग जाता वो शांत आत्मा स्थित प्रज्ञा, पार ब्रह्म में स्थित हो जाता, पार ब्रह्म में स्थित हो जाता,
पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, कभी चढ़ जा वे ब्रह्म शिखर पे, कभी तृष्णा की घाटी में गिरता, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता। चिंतयानस्य विषयान संयस्तेषु उपजायते कामः सज्जायते, तस्मात् तः क्रोधो अभिवर्धते। विषयों के चिंतन से कामना उपजे, कामनाओं से क्रोध उपजे, क्रोध से अज्ञान और मति भ्रम उपजे, मति भ्रम से ही विनाश उपजे। पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, कभी चढ़ जा वे ब्रह्म शिखर पे, कभी तृष्णा की घाटी में गिरता, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता। त्रिविधस्यापि दुःखस्य संतोषे विलयो भवेत्, प्रज्ञा संस्थितश्चायम प्रसन्न हृदयो भवेत्। संतोष करने से दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के ताप संताप नष्ट होते हैं। शांत धीर बुद्धि वाले जब प्रसन्न चित होते हैं तो उस प्रसन्नता के कारण उनका हृदय उस परम ब्रह्म में लगता है। मन न प्रसन्न हो तो बुद्धि नहीं मिलती, सद्बुद्धि के बिना श्रद्धा नहीं मिलती, बिना श्रद्धा के भक्ति सुख और शांति नहीं मिलते। इंद्रियाश्वान विचरतो विष्यान अनुवर्तते, यन्मनस्य न मतिम हन्यापदपु नावम मरुद्यथा। जैसे हवा नाव जल में डुबा देती, जैसे हवा नाव जल में डुबा देती, दुर्बुद्धि विनाश में डुबा देती, दुर्बुद्धि विनाश में डुबा देती, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता, पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता। ब्रह्म धियम यो विजानाति देवतः तुर्यामवस्थाम प्राप्यपि जीवन मुक्तिम प्राप्यते। वृद्ध हो के भी जो ब्रह्म बुद्धि पाता,
श्रद्ध हो के भी जो ब्रह्म बुद्धि पाता संसार सागर से तर जाता संसार सागर से तर जाता पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता कभी चढ़ जा वे ब्रह्म शिखर पे कभी तृष्णा की घाटी में गिरता पंछी की तरह आत्मा उड़ा फिरता आ पंछी की पंछी की तरह आत्मा आ